तारीख के बारे में चौथा नज़रिया जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है। इसको पेंडुलम का नज़रिया कहते हैं, यानी कि किस तरह से सोसाइटी कभी राइट की तरफ जाती है पेंडुलम की तरह, कभी लेफ्ट की तरफ जाती है। ये दो मतलब हरकतें हैं तारीख की सोसाइटी में, कि कभी लेफ्ट कभी राइट। अब ये पेंडुलम का नज़रिया क्यों कर पैदा हुआ, उसकी वजह जो है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर आपने देखा होगा कि कोई एक निज़ाम पे अमल किया जाता है, लोगों को उस निज़ाम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो हो जाती हैं, और वो ये समझते हैं कि इस निज़ाम के ज़रिए से उनका हल होगा। मसलन सरमायादारी जब आई, ख़ास तौर से सनती इनकलाब के बाद, और उसने बहुत बहुतात के अंदर पैदावार शुरू की, तो लोगों को ये ख्याल हुआ कि बहुतात पैदावार की वजह से लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, और ये चीज़ें चूँकि मास प्रोडक्शन में पैदा हो रही हैं ये सस्ती भी होंगी, और लोगों के माशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो लोग इस निज़ाम से काफ़ी उनको तवक्कात जो थी वो वाबस्ता हो गई। लेकिन हुआ ये कि देखते ही देखते इस निज़ाम की अपनी ख़राबियाँ जो थी वो सामने आना शुरू हुई, कि सरमायेदार को इससे दिलचस्पी नहीं थी कि आम लोगों को कोई फ़ायदा हो या आम लोगों को सस्ती अशिया जो हैं वो फराहम की जाएं, या उनकी उनका मेयार ज़िंदगी जो है वो बढ़ाया जाए, बल्कि उसका सारा इंटरेस्ट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जाए। अच्छा, जब ये चीज़ें सामने आई आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के अंदर, तो फिर सोसाइटी में सरमायादारी के ख़िलाफ़ एक रुझान जो है वो पैदा हुआ, और पेंडुलम जो अब तक सरमायादारी की जानिब था, उस पेंडुलम ने हरकत की और हरकत करके वो लेफ्ट की तरफ आ गया। फिर अब लोगों को ये ख्याल हुआ कि उनके मसाइल का हल सरमायादारी में नहीं है, बल्कि उनके मसाइल का हल सोशलिज्म के अंदर है, क्योंकि इसी ज़माने में मुख्तलिफ सोशलिस्ट तहरीकें जो थी वो शुरू हुई। एक तहरीक नहीं थी, यानी सिर्फ मार्क्स की तहरीक नहीं थी, बल्कि और भी मुख्तलिफ तहरीकें थी। मसलन एक शख्स था, उसका नाम था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने एक फैक्ट्री बनाई, और उस फैक्ट्री में उसने मज़दूरों की अच्छी तनख्वाहें रखी, काम के औकात भी कम रखे, उनके बच्चों की तालीम के लिए फैक्ट्री के अंदर स्कूल भी खोले, और खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी मुहैया किए, और इस और फैक्ट्री की जानिब से स्टोर हाउसेस और दुकानें थी जहाँ वर्कर्स को कूपन के ज़रिए सस्ती चीज़ें जो थी वो मिल जाती थी। तो उसकी फैक्ट्री को इसके बावजूद काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन हुआ ये कि दूसरे सरमायेदार जो थे उन्होंने इसकी बात के ऊपर अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वो अकेला इस सूरत हाल में अपनी फैक्ट्री को नहीं चला सका और नाकाम हुआ। फिर उसने कोशिश की कि अमेरिका के अंदर ये तजर्बा करे, वहाँ भी उसको कामयाबी नहीं हुई। इसी तरीके से कोई और दूसरे सोशलिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने भी इस बात की कोशिश की कि ये जो सनती सोसाइटी ने जो मसाइल पैदा किए हैं, कि लोग जो हैं कच्ची आबादियों में रह रहे हैं जहाँ गंदे पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ बच्चों की तालीम नहीं है, तो उन्होंने भी ये सोचा कि इसका कोई हल जो है वो ढूंढना चाहिए, और उन्होंने भी नए नए तजर्बात किए, जिनमें एक सेंट साइमन था वो था, एक फ्यूरर था, इन लोगों ने भी नए नए तजर्बात किए, लेकिन ये तजर्बात जो है इनके कामयाब जो थे वो नहीं हुए। लिहाजा दूसरा तजर्बा जो था सोशलिज्म का, वो कोई हुकूमत तो उनकी कायम नहीं हुई कि अपनी कोई रियासत के ज़रिए से अपने कवानीन का निफाज करते, वो सिर्फ लोगों को तबलीग के ज़रिए से तब्दील करना चाह रहे थे। लेकिन होता यह है कि आप तबलीग के ज़रिए से या आवाज़ों के ज़रिए से लोगों के जहन को नहीं बदल सकते। जहन को बदलने के लिए ज़रूरी होता है कि रियासत की क़ुव्वत आपके पास होना चाहिए, और ज़रूरी होता है कि रियासत की इदारे भी आपके पास होने चाहिए,
और ज़रूरी होता है कि रियासत के कवानीन भी आपके पास होने चाहिए। अगर महज आप तबलीग करेंगे तो तबलीग से या वाजों से या नसीहतों से सोसाइटी जो हैं वो नहीं बदलती हैं। तो ये जो सोशलिज्म की मुख्तलिफ तहरीकें थीं, इनके पास कोई रियासती ताकत नहीं थी, ये एक तबलीगी ताकत थी जिसके ज़रिए से इन्होंने कोशिश की। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि इस इन तबलीगी यानी तबलीगों की वजह से सोसाइटी में तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली अगर आएगी तो इनकलाब के ज़रिए से आएगी। इनकलाब लेके आया जाएगा तो रियासत के ऊपर आपका कब्ज़ा होगा, रियासत पर कब्ज़ा होगा तो आप पुराने सारे फरसूदा इदारे रिवायात उनको आप ख़त्म करके एक नई सोसाइटी जो है वो बनाएंगे, वो इसका हल है। और ये तजर्बा फिर रूस में भी हुआ, ये तजर्बा चीन के अंदर भी हुआ, ये तजर्बा वियतनाम में भी हुआ और क्यूबा के अंदर भी हुआ। तो फिर पेंडोलम जो है वो फिर एक ज़माने में लेफ्ट की तरफ भी हुआ है, यानी सोशलिज्म की तरफ। लेकिन होता ये है कि दोनों निज़ाम यानी सरमायादारी का निज़ाम भी और सोशलिज्म का निज़ाम भी पूरी दुनिया में मतलब कि ये नाफिज नहीं हो सके और पूरी दुनिया के मसाइल जो हैं उनका हल जो है वो नहीं ला सके। और लोगों को जब भी कोई मायूसी होती है अब तो आप देखें कि इस वक्त सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इन्हीं नज़रियात की नुमाइंदगी करती हैं। कुछ सियासी पार्टियाँ जो हैं वो सरमायादारी की नुमाइंदगी करती हैं, जैसे इंग्लिस्तान के अंदर टोरी पार्टी है या जिसको कहें कि क़दामत परस्त पार्टी है, वो पुराने निज़ाम की हिमायत करती है। विक पार्टी या लेबर पार्टी जो है वो सोशलिज्म की या लिबरलिज्म की नए निज़ाम की हिमायत करती है। तो अब ये सियासत भी इन मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम है और इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से रियासत पर कब्ज़ा करें। और अब मजहबी जमातें भी आ गई हैं। अब मजहबी जमातों का भी यह ख्याल है कि मजहब के नाम पे रियासत के ऊपर कब्ज़ा किया जाए और फिर रियासत की मदद से मजहब को सोसाइटी के ऊपर पर नफाज किया जाए, जैसा कि हम अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में देख रहे हैं। तो ये जो पेंडोलम की हरकत है कि सोसाइटी कभी राइट में कभी लेफ्ट में, अब असल में इस वक्त पेंडोलम ऐसा मालूम होता है कि राइट साइड के अंदर है। हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की हुकूमत है जो बिल्कुल मतलब कि राइटिस्ट हुकूमत है, जिसने वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी की को उसने नाफिज कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है, यहाँ भी मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो अपनी जगह पूरी तरीके से है। और यही अब हम देख रहे हैं कि यूरोप के बहुत से मुल्कों में जो राइटिस्ट पार्टियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रही हैं, जैसे फ्रांस के अंदर भी, जर्मनी में नाजी पार्टी एक बार फिर ताकतवर हो रही है, या अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी जो बिल्कुल राइटिस्ट पार्टी है वो पॉपुलर हो रही है। तो ऐसा मालूम होता है कि पेंडोलम इस वक्त राइटिस्ट पार्टियों की जानिब है, राइटिस्ट निज़ाम की जानिब है। अगर जब लोग इससे मायूस हो जाएंगे तो पेंडोलम फिर लेफ्ट की तरफ आ जाएगा और फिर एक बार कोशिश की जाएगी कि पुराने निज़ाम को तब्दील करके नए निज़ाम को लाया जाए। तो कभी कभी तारीख में ऐसा होता है कि इस चक्कर में कौमें फंस जाती हैं और इससे उनको निजात नहीं मिलती है कि कभी वो लेफ्ट पे है कभी राइट में है, इसमें कोई निजात का रास्ता नहीं है कि आखिर उनका अपना फाइनल निज़ाम क्या होना चाहिए। ये एक पेंडोलम के नज़रिए के अंदर यह ख़राबी जो है वो हमें नज़र आती है।